सनराइज न्यूज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। एक ही पार्टी, एक ही निर्वाचन क्षेत्र, एक ही चुनाव चिन्ह से 9 बार प्रतापगढ़ जिले की रामपुर खास से विधायक चुने गए प्रमोद तिवारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता के रूप में एक अलग पहचान रखते हैं। उनका ये रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड बुक में भी दर्ज है। 2012 में भी वो विधायक बने, उसके बाद राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी, लेकिन ये सीट किसी और पार्टी के पास नहीं गई। इस सीट पर हुए उपचुनाव में प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा विधानसभा के उपचुनाव में जीत हासिल कर विधानसभा पहुंची। रामपुर खास सीट पर पहली बार प्रमोद तिवारी ने 1980 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत का झंडा गाड़ा। उसके बाद कांग्रेस ने यहां से आज तक किसी दूसरी पार्टी को खाता खोलने का मौका तक नहीं दिया। 1980 से पहले इस सीट पर 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर तेजभान सिंह चुनाव जीते। उसके बाद से सीट लगातार कांग्रेस के कब्जे में है। लगातार 7 चुनाव जीतने के बाद प्रमोद तिवारी को घेरने के लिए 2007 में समाजवादी पार्टी ने विज्ञा सिंह को रामपुर खास से चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन प्रमोद तिवारी ने उन्हें 30,000 से अधिक मतों के अंतर से पराजित कर दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी रामपुर खास से लगातार 9 बार से विधायक जीते। तिवारी इस सीट से पहली बार 1980 में जीते थे। प्रमोद तिवारी 1984 से 1989 के बीच 2 बार राज्य मंत्री रहे। प्रमोद तिवारी सरल, सहज, मृदुभाषी और व्यवहार कुशल राजनेता हैं। यही कारण है कि प्रमोद तिवारी ने 1989 के बाद से प्रदेश में किसी की भी सरकार रही हो, तिवारी के रिश्ते सबसे ही अच्छे रहे। वर्ष 2013 में राज्यसभा के लिए उपचुनाव में कांग्रेस के पास विधायकों की पर्याप्त संख्या नहीं थी, बावजूद इसके प्रमोद तिवारी अपने उन्हीं मधुर सियासी रिश्तों के कारण राज्यसभा जा पहुंचे। प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता का पद भी लंबे समय तक प्रदेश में संभाला। प्रमोद तिवारी सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी तो हैं ही, चुनाव प्रबंधन में भी उनका कोई जवाब नहीं। पहला विधानसभा चुनाव उन्होंने इंदिरा गांधी के समय जीता और करीब 4 दशक से अपने सियासी सफर में गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों से बराबर की निकटता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े ब्राह्मण राजनेता के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित कर रखा है और मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में राजनीति का केंद्र ब्राह्मण वोट बैंक ही है। ऐसे में 2022 विधानसभा चुनाव में प्रमोद तिवारी पर दाव लगाकर कांग्रेस मजबूती से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अपने आप को स्थापित कर सकती है। जानकारों का मानना है कि अगर प्रमोद तिवारी को कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर यूपी चुनाव लड़ाती है तो प्रमोद तिवारी कांग्रेस के लिए त्रुप का इक्का साबित हो सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेयर।